अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट ब्राइट टीवी। देश का नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है। 4 मंजिला है नए संसद भवन का पूरा कैंपस। 64,500 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसके निर्माण पर 862 करोड़ रुपए की लागत आई है। रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुए इस नए भवन का 28 मई को पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। 28 मई को ही विनायक दामोदर सावरकर का जन्मदिन भी है। पीएम मोदी की आन बान शान के प्रतीक के रूप में विख्यात इस नए संसद के निर्माण पर विपक्ष पहले ही दिन से हमलावर है। अब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी के फोटो के साथ ट्वीट करते हुए तंज किया है कि संसद भवन के एकमात्र आर्किटेक्ट, डिजाइनर और वर्कर 28 मई को इसका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस ने इसे पर्सनल वैनिटी प्रोजेक्ट बताया है। नए संसद भवन की 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने आधारशिला रखी थी। आइए आपको बताते हैं कि क्या खास होगा इस नए संसद भवन में। दरअसल तिकोने आकार में बना यह संसद भवन 4 मंजिला है। पूरा कैंपस 64,500 वर्ग किलोमीटर तक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इस भवन में एक संविधान हॉल भी होगा जिसमें भारतीय लोकतंत्र की विरासत को प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही संसद सदस्यों के लिए लाउंज, कई कमेटी रूम, डाइनिंग एरिया और पार्किंग स्पेस होगा। संसद भवन के 3 मेन गेट हैं और इन्हें नाम दिए गए हैं ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्मा द्वार। वीआईपी संसदों और विजिटर्स की एंट्री अलग अलग गेट से होगी। विशेष बात यह भी है कि इससे लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 300 संसदों के बैठने की व्यवस्था की गई। अगर दोनों संसदों की संयुक्त बैठक होती है तो एक समय में इसमें 1,280 संसद बैठ सकते हैं। मौजूदा संसद भवन में लोकसभा में 550 और राज्यसभा में 240 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। ये पुराना भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था। नए संसद भवन का कंस्ट्रक्शन टाटा प्रोजेक्ट ने किया है। हाँ, इसका डिजाइन किया है आर्किटेक्ट विमल पटेल। विमल पटेल गुजरात के अहमदाबाद शहर से हैं। वह अहमदाबाद स्थित सीईपीटी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी हैं। 2019 में पद्मश्री से सम्मानित विमल पटेल आर्किटेक्ट प्लानिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फर्म HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को भी डील करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।